हेलो फ्रेंड्स, फरवरी का महीना मतलब रोजेस, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स और केक्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वैलेंटाइन डे स्पेशल मिरर ग्लेस रेड वेलवेट केक की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो आज मैं इसे बनाऊंगी कढ़ाई में। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख देती हूँ लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। अब एक बाउल में मैंने आधा कप दूध लिया है, उसमें एक चम्मच विनेगर डाल के मिला के हम उसे साइड में रख देते हैं। अब केक टिन को प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे हार्ट शेप टिन लिया है, ये लगभग 4 इंच जितना है। उसे हम पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसी के मेजरमेंट का बटर पेपर काट के रख लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसे भी हम ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में तैयार किया हुआ विनेगर वाला दूध डाल देते हैं और साथ ही डाल देंगे 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा अनफ्लेवर्ड ऑयल। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और फिर हम इसमें मिलाएंगे 3/4 कप मैदा, 1/2 कप चीनी पिसी हुई, 2 बड़े चम्मच दूध पाउडर। वैसे तो इसमें आलमंड मिल्क का इस्तेमाल होता है लेकिन मैं आज दूध पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3/4 चम्मच ही बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेते हैं। अब हम वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है और ओवर मिक्स भी नहीं करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें हम फ्लेवर के लिए मिलाएंगे 4 से 5 बूंद पाइनएप्पल एसेंस। आप कोई सा भी एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेड वेलवेट केक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 4 से 5 बूंद सुपर रेड जेल फूड कलर का। आप चाहे तो पाउडर कलर या फिर लिक्विड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हर्षी सिरप की 3 से 4 बूंद चॉकलेट वाला, इससे रेड कलर और भी अच्छे से खिल कर आता है। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को फिर से मिक्स कर देंगे और देखिए ये कितना वाइब्रेंट रेड कलर आया है। मैंने सुपर रेड जेल फूड कलर का इस्तेमाल किया था। अब हम इस मिक्सचर को ग्रीस्ड किया हुआ केक टिन में ट्रांसफर कर देते हैं। आप हार्ट शेप की जगह राउंड टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए और उसके बाद हम इसे प्रीहीटेड कढ़ाई में बेक करने के लिए रख देंगे। इसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा डोम शेप का ढक्कन लगा रही हूँ ताकि हॉट एयर अच्छे से सर्कुलेट हो। और लगभग 25 से 30 मिनट बाद हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखिए केक बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा राइज किया है। और इस तरह से टूथपिक डाल के देखिए, अगर ये क्लियर है तो ठीक है और नहीं तो आप 5 मिनट के लिए और बेक कीजिए। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं और व्हिपिंग क्रीम की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक चिल्ड बाउल लिया है, 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम, और उसके बाद हम इसे विस्क करेंगे और स्पीड हम ग्रेजुअली बढ़ाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। अब हम इसमें भी 3 से 4 बूंद पाइनएप्पल एसेंस का मिलाएंगे और उसके बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फिर से विस्क करेंगे तब तक जब तक कि इसमें से स्टिफ पिक ना दिखने लगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। और क्रीम रेडी है या नहीं इसका दूसरा तरीका भी है चेक करने को। हम इस तरह से बाउल को उल्टा करेंगे, अगर इसमें से क्रीम नहीं गिर रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। अब तक केक भी ठंडा हो गया है तो हम एक चाकू की सहायता से साइड्स को इस तरह से क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद एक प्लेट के ऊपर हम केक टिन को उल्टा करेंगे और थोड़ा सा टैप करेंगे और देखिए केक निकल के आ गया है। अब इसके ऊपर के बटर पेपर को हम निकाल देते हैं। देखिए ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अब हम केक के चारों तरफ चाकू से निशान लगा देंगे क्योंकि हमें केक का स्लाइस करना है। मेरे केक का हाइट थोड़ा कम है इसलिए मैं इसका सिर्फ 2 स्लाइस कर रही हूँ। आप चाहे तो उस तरह से चाकू से या फिर इस तरह से धागे को जो हमने मार्क किया है वहाँ पे धागे को डालेंगे और उल्टा करके इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए कितना आसानी से केक 2 लेयर में कट हो गया है। अब केक के फर्स्ट लेयर के ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा पानी डाल के एक पतला सा सिरप तैयार कर लिया है, उसे इस तरह से हम केक के ऊपर लगा देंगे। और उसके बाद पहले हम केक को रोटेटिंग टेबल के ऊपर रख लेते हैं और इसके ऊपर हम व्हिप्ड क्रीम जो तैयार करके रखा था उसे हम लगा देते हैं। उसके बाद हम केक का दूसरा लेयर रखेंगे लेकिन इसे हम उल्टा करके रख रहे हैं और इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगा देते हैं और फिर
इसके ऊपर भी हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, लेकिन इस बार व्हिपिंग क्रीम हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हम इसका क्रम कोटिंग करेंगे। अभी हमें बहुत ज़्यादा क्रीम लगाने को ज़रूरत नहीं है। तो आप चारों तरफ अच्छे से क्रीम को लगा लीजिए, बिल्कुल हल्की लेयर। देखिए मैंने क्रम कोटिंग कर ली है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आधे घंटे बाद हम इसे निकालते हैं और फिर से इसके ऊपर अब हम क्रीम लगाएंगे, अब हम फाइनल कोटिंग करेंगे। इसकी शेप को मेंटेन करते हुए चारों तरफ आप अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिए। फिनिशिंग के लिए आप कोई भी प्लास्टिक का कार्ड या एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे लगभग 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं और तब तक चॉकलेट गनाश तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप व्हाइट चॉकलेट में थोड़ा सा क्रीम डाला है, लगभग 1/4 कप जितना। उसके बाद हम इसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करेंगे। देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब अच्छे ग्लेज के लिए मैं इसमें न्यूट्रल ग्लेज डाल रही हूँ। अगर आपके पास न्यूट्रल ग्लेज नहीं है तो आप 1 चम्मच हनी का इस्तेमाल कीजिए। और कलर के लिए वही मैंने सुपर रेड कलर का 1 बूंद डाला है और उसके बाद इसे भी हम मिक्स कर देंगे। अगर आपको गनाश थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा क्रीम और मिला सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब पहले बड़ा प्लेट, उसके ऊपर 1 कटोरी और उसके ऊपर मैंने 1 प्लेट को उल्टा करके इसमें केक रखा है और जो तैयार किया हुआ गनाश है ये हल्का ल्यूक वॉर्म होना चाहिए तभी ये अच्छे से फैलेगा। उसे हम केक के चारों तरफ इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, इसके ऊपर पोर कर देंगे ताकि केक चारों तरफ से अच्छे से कवर हो जाए। और जो जहाँ कहीं अगर आपको लगता है कवर नहीं हुआ है तो आप इस तरह से स्पून से गनाश को वहाँ पर डाल सकते हैं। इसे 10 मिनट के लिए थोड़ा ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो गनाश है वो नीचे ड्रिप हो जाए और फिर हम इसे केक बोर्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं। वाह देखिए ऐसे ही ये कितना प्यारा लग रहा है। अब हम केक के बॉटम पार्ट को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने लीफ नोजल लिया है और उसके बाद हम उसमें व्हिपिंग क्रीम से हम इस तरह से डिज़ाइन बना देते हैं। आप चारों तरफ इसका डिज़ाइन बना दीजिए। आप कोई सा भी नोजल ले सकते हैं, स्टार नोजल भी ले सकते हैं। वाह देखिए कितना अच्छा ग्लेज इफेक्ट आया है। मैंने कुछ चॉकलेट हार्ट्स और स्प्रिंकलर से इसे डेकोरेट कर दिया है। अब हम इसे काटेंगे। काटने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन आपको काट के भी तो दिखाना है ये अंदर से कैसा लग रहा है। वाओ सो टेम्पटिंग। तो आप भी इस वैलेंटाइन डे इस केक को ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।